तो यार बहुत से लोग हैं जो अपने गेमिंग कंसोल में जैसे प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, निंटेंडो स्विच वगैरह में जो फोर्टनाइट जैसी गेम्स होती है या फिर पबजी जैसी गेम्स होती है वो कीबोर्ड माउस से ही खेलना पसंद करते हैं। तो मेरे पास काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं कि अनमोल भाई कोई बताओ ऐसा कीबोर्ड माउस का कॉम्बो जो हम अपने प्ले स्टेशन 4 में या एक्सबॉक्स में या मतलब कि निंटेंडो स्विच में भी यूज़ कर सके और फोर्टनाइट पबजी जैसी गेम खेल सके। तो आज इस वीडियो में भैया मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए ये ऑल इन वन कॉम्बो जो कि क्या आता है गेम सर की तरफ से। मॉडल नंबर है इसका VX2 एम स्विच गेमिंग कीपैड। तो ये बेसिकली हर एक कंसोल के लिए बना हुआ है प्लस पीसी के लिए भी बना हुआ है। इसका जो कीबोर्ड है वो वायरलेस है, जो माउस है वो वायर्ड है बट वो कीबोर्ड के साथ ही अटैच हो जाता है तो बेसिकली वो भी वायरलेस ही हो गया। तो पूरा इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, अंदर दिखाऊंगा क्या क्या है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अगर आप खरीदना चाहते हो। फिर उसके बाद में अपने प्ले स्टेशन 4 प्रो में इसको यूज़ भी करके दिखाऊंगा कैसे कनेक्ट करते हैं, फिर गेम भी खेलेंगे कि अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि आपको पता ही है भैया मैं भी अब कंसोल की जगह पीसी पे शिफ्ट हो चुका हूं तो मेरे कोई माउस कीबोर्ड की आदत लग गई है, इसलिए मैं कोई भी गेम जो है वो प्लेस्टेशन 4 में नहीं खेल पाता हूँ ड्यू टू मतलब कंट्रोलर। तो अब ये मेरे पास आ गया है तो मज़ा आएगा, फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं, देर नहीं लगाएंगे। इस वीडियो का एम रखते हैं 6000 लाइक्स का। आई नो आप लोग करवा दोगे तो भैया करवा दो फटाफट से। तो भाई ये देखो, ये तो इसका बॉक्स है, ऊपर आपको गेम सर का लोगो मिल जाएगा। इस तरह का कीबोर्ड है, ये फुल लेंथ कीबोर्ड नहीं है ये, बट इसमें आपको सारे बटन्स मिल जाएंगे जो आपके गेमिंग के काम आएंगे। इसके नीचे आप VX2 देख सकते हो, यहाँ पर मॉडल नंबर है एम स्विच गेमिंग कीपैड। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है वन कॉम्बो फॉर ऑल कॉन्सोल्स, मतलब इसके अंदर आपको जो है वो गेम मतलब कीपैड तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ में माउस भी मिलेगा और एक रिसीवर भी मिलेगा। बाकी बैक साइड में भी वही सेम है, लेआउट बना हुआ है और कौन कौन सा बटन किस काम आता है वो लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो फटाफट से ओपन कर लेते हैं, बहुत आसान है। इस तरह से स्लाइड करना है, ये निकल गया इसका अब ऊपर का कवर और ये बॉक्स अंदर मिलेगा। और ये भी कुछ ज़्यादा सीन नहीं है, एक ये सील दे रखी है आपको यहाँ पर ये वाली, इसको आपको कुछ इस तरह से रिमूव करना है और बॉक्स जो है आपका वो खुल जाएगा। तो ऐसे कुछ बॉक्स खुलेगा पूरा का पूरा और बॉक्स के अंदर सबसे पहले तो अपना कीबोर्ड ही निकल जाएगा। जैसे कि आपको बताया था वायरलेस कीबोर्ड है ये, तो इसमें बेसिकली कोई भी वायर नहीं है, यहाँ पर सारी जगह देख सकते हो आप कोई वायर नहीं है, प्योर वायरलेस है। और अगर कीपैड की बात करूँ तो आप देख सकते हो इसमें लगभग सारे बटन है जो जो हमें गेम खेलने के काम आते हैं, मतलब WASD स्पेस बार, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, कैप्स लॉक हो गया। इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर एक ये जॉयस्टिक भी दे रखा है, अगर आप माउस नहीं भी यूज़ करते तो इसकी मदद से थोड़ी बहुत कंट्रोल्स इधर उधर कर सकते हो, बट माउस की ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी, इससे खाली काम चलेगा नहीं। मैकेनिकल कीबोर्ड है, आवाज़ सुन लो आप, तो मैकेनिकल कीबोर्ड है, काफ़ी अच्छा है, फील अच्छी दे रहा है, ग्रिप भी इसकी काफ़ी अच्छी है, ये चीज़ को ग्रिप कहते हैं। तो जब आप गेमिंग करोगे यहाँ पर हाथ रख के मतलब इस तरह से तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा, तो अच्छी चीज़ है ये भी। बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है इसकी, काफ़ी अच्छे मटेरियल से बना हुआ है ये। शायद से यहाँ पर एक LED इंडिकेटर भी है तो अभी इसको ऑन करेंगे पता चलेगा। हाँ, प्लस ये RGB भी है, RGB या बैकलिट आप कह सकते हो, बट इसके कीज़ के पीछे आपको लाइट्स मिलेगी। तो इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं क्या निकलेगा। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, ना भी पढ़ना चाहो ना भी पढ़ो भैया, मैं नहीं पढ़ूंगा। एक और इनकी बुकलेट है पूरी की पूरी। तो इसके नीचे आप देख सकते हो जो मैंने आपको बोला था कॉम्बो मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये है माउस इसका, तो ये वायर्ड माउस है ये, लेकिन ये कीबोर्ड के साथ ही कनेक्ट हो जाएगा तो बेसिकली ये भी वायरलेस ही बन जाएगा। और इसके अलावा ये है इसका रिसीवर, ये देख सकते हो एम स्विच रिसीवर। इसके अलावा एक वायर और है, ये चार्जिंग के लिए होगी कीबोर्ड की, क्योंकि कीबोर्ड के अंदर बैटरी है तो ऑब्वियसली चार्ज करना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा भाई लोग बॉक्स पूरा खाली है, अंदर कुछ नहीं है, तो पेपर वर्क सारा डाल देते हैं बॉक्स में क्योंकि काम का नहीं है। और फटाफट से आपको अब मैं इसको कनेक्ट करना दिखाता हूँ अपने प्ले स्टेशन 4 प्रो में, फिर गेमिंग भी करेंगे थोड़ी बहुत। तो ये देखो भैया, ये 5 चीज़ें मिली थी हमें बॉक्स के अंदर से, ये तो कीपैड हो गया, ये है जिससे हम चार्जिंग करेंगे, देख सकते हो आप जो चार्जिंग के लिए यूज़ करा गया वो USB-C का यूज़ करा गया, यानी कि फास्ट चार्जिंग होगी, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा ये मैंने आपको अडेप्टर दिखाई दिया था, ये बेसिकली USB-C से नॉर्मल USB 3.0 का कन्वर्टर है, यानी अगर आप अपने प्ले स्टेशन में इसके साथ साथ एक कंट्रोलर भी चार्ज करना चाहते हो तो ये कर सकते हो, वो मैं सिखाऊंगा अभी क्या सीन है इसका। इसके बाद है ये है रिसीवर बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया कीबोर्ड जो है वो वायरलेस है, तो ये रिसीवर आपके प्ले स्टेशन 4 में लगेगा या जिस भी कंसोल का है उसमें लगेगा। और अगर आप निंटेंडो वगैरह में लगाना चाहते हो शायद से मोबाइल में भी लगेगा, ये देखो तो मोबाइल के लिए अलग से केबल दी हुई है फोकस, तो अगर आप मोबाइल से कनेक्ट करना चाहते हो बट मेरे को पता नहीं है, बट प्ले स्टेशन से हम करके देखेंगे इस USB की मदद से,
मतलब जहाँ पर आप अपने कंट्रोलर लगाते हो प्लेस्टेशन 4 में, तो वहाँ पर ही सेम जगह पे ये भी लगा सकते हो, रिसीवर का काम करेगा ये। इसके अलावा है भाई साहब हमारा ये माउस, तो माउस भी USB वाला ही है नॉर्मल अपना, जो कीबोर्ड में जाके अटैच होगा। तो ये है तो वायर्ड, बट कीबोर्ड पे लगने के बाद ये वायरलेस ही हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि इसकी डायरेक्ट केबल कोई भी प्लेस्टेशन के साथ नहीं जाएगी। बाकी लाइट वेट है यार ये काफ़ी ज़्यादा, कीबोर्ड में वो काफ़ी हैवी लगा, हैवी नहीं मतलब लग रहा था कि अंदर माल मसाला है, लेकिन ये थोड़ा सा लाइट वेट लग रहा है, बट देखते परफॉर्मेंस कैसी देगा। बटन साइड में दो दे रखे हैं यहाँ पर, और ऊपर नॉर्मल दो बटन है, व्हील है ये DPI कंट्रोल के लिए है, और ज़्यादा बटन नहीं है कुछ भी। तो चेकआउट करते हैं फटाफट से कनेक्ट करके। तो सबसे पहले तो ये देखो भैया, कीबोर्ड के आपको लेफ्ट साइड में एक ये बटन दिखेगा, जिसको आप स्लाइड करोगे तो कीबोर्ड ऑन हो जाएगा। ये देखो लाइट्स भी जल गई, जैसे कि मैंने आपको बताया था बैकलिट कीबोर्ड है ये। उसी के साथ में एक USB-C का भी ऑप्शन मिलेगा, जो आपको शायद दिखे। हाँ ये देखो, तो ये USB-C है एक्स्ट्रा कंट्रोलर लगाने के लिए इसमें। और राइट साइड में आपको मिलेगा एक USB नॉर्मल USB पोर्ट, जिसमें हमारा माउस लगेगा। तो इस तरह का ये देखो माउस है अपना ये रहा, तो ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा ऐसे बड़े सिंपल तरीके से। ये देखो तो माउस में भी यहाँ पर लाइट आ गई है, आप जैसे कि देख सकते हो। तो बेसिकली ये भी RGB लाइट है, RGB नहीं कहेंगे, बैकलिट है, लेकिन तो काफ़ी सही लग रहा है ये। इसका पैटर्न मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मधुमक्खी का छत्ता हो गई। तो ये दोनों चीज़ें तो कनेक्ट हो चुकी है, तो देख सकते हो आप एक तरह से माउस भी जो है वो वायरलेस ही बन गया है, क्योंकि इसके साथ कनेक्ट होकर। बट आपको इसकी वायर कोई भी प्लेस्टेशन में नहीं लगानी पड़ेगी। अब प्लेस्टेशन में आपको बेसिकली ये रिसीवर कनेक्ट करना है, जो मैंने आपको बताया था साथ में मिलता है बॉक्स के। तो ये भी सिंपल है, इसके साथ USB एक मिलेगी आपको, और प्लेस्टेशन के आगे भी होता है वैसे तो, प्रो में आगे दो स्लॉट है, तो उसमें से किसी एक में लगा दो इस तरह से। और इसमें अभी तो कोई लाइट जल नहीं रही है, पता नहीं, ओ सॉरी मैंने प्लेस्टेशन तो ऑफ ही कर रखी है, अभी पहले ऑन करते हैं प्लेस्टेशन को भी। चलो भैया प्लेस्टेशन ऑन हो गई है, अब शायद से इसमें लाइट जलनी चाहिए। हाँ ये देखो तो तीन लाइटें जल गई है यहाँ पर। इसके अलावा मैं आपको ये अडेप्टर जो बता रहा था, ये कीबोर्ड में लगेगा बेसिकली। तो कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में मैंने आपको बताया था USB-C का पोर्ट मिलेगा, इसी से ये चार्ज भी होता है USB-C के पोर्ट से, और इसी में ये अडेप्टर भी लगता है इस तरह से। तो अब क्या होगा, मान लो आप कीबोर्ड माउस से खेल रहे हो और आपके प्लेस्टेशन या किसी और कंसोल में एक ही USB स्लॉट है, तो आप अपना एक कंट्रोलर यहां लगा के भी चार्ज कर सकते हो या यूज कर सकते हो इसी के थ्रू डायरेक्टली। तो ये काफी अच्छी चीज दी है, मतलब आप कीबोर्ड माउस के साथ साथ कंट्रोलर का भी यूज़ कर पाओगे वायर्ड। मान लो मल्टीप्लेयर खेल रहे हो आप दो तीन लोग साथ में, वैसे तो खैर ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि भैया कंट्रोलर भी वायरलेस ही होते हैं, बट इन केस आपकी कंट्रोलर की बैटरी नहीं है और आपको लगाकर खेलना है तो आप खेल सकते हो। और ये USB-C केबल जो मिली है चार्जिंग के लिए, ये भी उसी स्लॉट में लगेगी, तो चार्ज करना हो तो इस स्लॉट से आप कर सकते हो, मतलब इस वायर से कर सकते हो। तो ये देख सकते हो आप गेम ऑन करते ही ऊपर कंट्रोलर के साथ साथ एक माउस का भी छोटा सा ऑप्शन आ गया था, तो इसका मतलब ये जो डिवाइस है कनेक्ट हो चुके हैं हमारे प्लेस्टेशन से। बहुत ही सिंपल था, आपको पता चली गया, सिंपल सा मतलब प्लग एंड प्ले वाला सीन हो गया। अब मैं यहाँ पर फोर्टनाइट खेल के देखता हूँ कि कैसा काम होता है। वैसे मैं फोर्टनाइट खेलता नहीं कभी, मैंने अपनी लाइफ में एक दो बार खेली होगी फोर्टनाइट बस, चाहे वो PC पे हो चाहे कंसोल पे, बट इस गेम को चेक करने के लिए आज खेल ही लेते हैं। तो अभी मैं कंट्रोलर से कर रहा हूँ। अच्छा हाँ एक चीज़ और दिखानी है आपको, ये देखो अभी जैसे ये मेन्यू पे है ना, तो यहाँ पर जो मैं बता रहा था ना आपको, ये जॉयस्टिक मिलती है, इससे देखो आप कंट्रोल भी कर सकते हो। तो देखो प्लेस्टेशन का भी ऊपर से उधर चेंज हो रहा है, जैसे जैसे मैं इसको कर रहा हूँ, लेफ़्ट करूँगा लेफ़्ट, राइट करूँगा राइट। और माउस का यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, माउस शायद से गेम के अंदर ही काम करेगा, बट यहाँ पर ये काम कर रहा है, आप देख सकते हो अच्छे से। तो ये देखो भाई लोग, गेम के अंदर जो माउस काम करना शुरू कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे मैच मेकिंग हो रही है, तो गेम में देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस मिलती है हमें इस कीबोर्ड माउस से। चलो भैया गेम स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हो आप बिल्कुल, मैं W से आगे देखो ऐसे चल रहा हूँ, S से पीछे। एहे जल्दी 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 कूदो, मुझे तो पता भी नहीं है भाई इसके बेसिक्स भी, फोर्टनाइट मैंने खेली नहीं है ज़्यादा। ओके तो माउस अच्छे से कंट्रोल हो पा रहा है, DPI में मैं चेंज कर सकता हूँ, बट मेरे ख्याल से मेरे लिए सही है सेंसिटिविटी पूरी। और ये भी अच्छे से कंट्रोल हो रहा है, एक बार गन मिल जाए ना तो गन से एम पता चल जाएगा कि कैसा होएगा कैसा नहीं। ओ भाई ये तो वॉर जोन जैसा सीन है इसमें भी डिप्लॉय का, काटते कैसे इसको, बड़ा बेशरम है लौंडे तू तो। ओके 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 ओके, अच्छा ई से खुल ही जाएगा इसमें, ये सही है भाई साहब, हर चीज़ें तोड़ सकते हो आप फोर्टनाइट में। अब कुछ तो ये गन गई, गन मिल गए नाइस। अब गन थोड़ा एम करके देखते हैं ज़रा अच्छे से। हाँ यार सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और कीज़ भी सारी है जो जो मतलब यूज़ में आएगी एक तरह से। ओ ये अच्छी मिल गई है गन थोड़ी, ओ तेरी इतनी गन्स, इसमें इतनी गन्स ले सकते हैं, पबजी में भी डाल दो भाई 5-6 गन्स लेने का,
सीन ही खत्म होगा भाई साहब, कूदेगा नहीं गाइस इसमें बाहर। अबे बड़ा बेशरम है भाई। लोग सही है हर गेम तो सही चल रही है इससे। पेस से देखो अपना वही उछलता है, इससे बैठता है कंट्रोल से। वो दीवार बनाने वाला मेरे को आता नहीं है ढंग से, बट सही है यार कंट्रोल के मामले में। देखो शायद से बंदा है आसपास कहीं। चलो देखते एक किल कर पाएंगे क्या हम लोग। शायद से एक किल तो मैं कर ही दूंगा, हूँ तो मैं नूबड़ा वैसे तो। ये वाइड वाइड एरो तो अपने ही बंदों के आ रहे हैं ना शायद से। दुश्मन कहाँ है, दुश्मन दिखाओ मेरे को बेटा। यार वैसे फोर्टनाइट ना है तो बहुत बढ़िया गेम, मतलब कि मैं कुछ ऐसा नहीं कह सकता कि गेम बेकार है ऐसा कुछ, बट मेरे को पसंद नहीं है यार मतलब इस टाइप की गेम्स। मुझे थोड़ी ऐसी गेम्स पसंद है जिसमें असली वाली फील आए, जैसे कि पबजी वगैरह हो गया। बट स्टिल गेम तो अच्छी है, खैर कुछ भी कह लो, वर्ल्ड वाइड इतनी फेमस है। लेकिन मेरे को एक भी एनिमी नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों भाई। बट यार अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब कंट्रोलर से खेलने से तो बेटर ही है, ऐसे खेल लो मतलब मज़ा आ रहा है। पूरी पीसी वाली फील आएगी, मतलब कि माउस से कर रहे हो कंट्रोल, उससे कीबोर्ड से आगे पीछे। अच्छा ये जो जॉयस्टिक है ना, ये देखो इससे आगे पीछे भी हो रहा है, मतलब WASD से नहीं खेलना अगर तो इस जॉयस्टिक से भी आगे पीछे कर सकते हो आप। बट इतना अच्छा नहीं है ये, बेटर है कि आप WASD से खेलो। बट बंदे कहाँ हैं भाई, एक भी एनिमी नहीं दिख रहा मुझे। हद हो गई, सर्कल आ गया। शिट शिट वो रहा बंदा, जा कर रहा, जा कर रहा। यस पहला बंदा मार दिया मैंने। यस क्या बात है भाई साहब, पीरो बन गया मैं तो कीबोर्ड से खेल के। यही कर, अबे मार गए, बेइज्जती कर गए। बट यही मैं सही बता रहा हूँ, अगर कंट्रोलर से खेल रहा होता तो मुझे एक भी किल नहीं मिलती, बट मैंने एक किल ले ली। तो भाई ये था इस गेम सर की तरफ से आने वाला कीबोर्ड माउस का कॉम्बो, मतलब सारे कॉन्सोल्स के लिए। इसमें लिखा भी है PS4 Xbox One स्विच PC सब में आप यूज कर सकते हो। तो भैया कैसी लगी वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और डिस्क्रिप्शन में भाई सारे लिंक्स दे रखे, अगर आप खरीदना चाहते हो तो भी लिंक दे रखे। अगर आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हो तब भी आप उन लिंक की मदद से वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और इसी के साथ साथ 6000 लाइक्स का टारगेट था, करवा देना प्लीज। वैसे तो करवाई देते हो खैर, बट स्टिल बोलना पड़ जाता है कभी कभी। और मैं मिलता हूँ आपसे इस तरह की और एक्साइटिंग वीडियो में। टेल देम गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। कैमरा ही हिला दिया भाई सब मैंने तो। चलो जी बाय बाय बाय।